स्वागत है प्रिय साधकों हमारे प्राचीन शास्त्रों में वर्णित जीवन के इस अद्भुत चमत्कार के गहन अन्वेषण में। आज हम गर्भोपनिषद, भागवत पुराण और आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित माँ के गर्भ में 9 महीनों के दौरान बच्चे के विकास की यात्रा पर चलेंगे। ये पवित्र ग्रंथ न केवल गर्भ में शिशु के शारीरिक विकास को दर्शाते हैं, बल्कि पुनर्जन्म, कर्मों के संस्कार और आत्मा के सचेत अनुभव के आध्यात्मिक पहलुओं में भी गहराई से उतरते हैं। आइए शास्त्रों के मार्गदर्शन में इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, उस क्षण से जब गर्भाधान होता है। बीज और अंडाणु का मिलन, जीवन की चिंगारी प्राचीन ग्रंथों में प्रथम माह को अत्यंत आध्यात्मिक क्षण माना गया है। यह मानव जीवन की वास्तविक शुरुआत है, शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से। गर्भोपनिषद के अनुसार प्रथमम स्थूलम च सूक्ष्मम च गर्भाधानम भवति, जिसका अर्थ है प्रथम महीने में गर्भाधान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप उत्पन्न होते हैं। यह कथन इस बात पर जोर देता है कि भौतिक तत्व शरीर और आध्यात्मिक तत्व आत्मा यही मिलते हैं, जो शारीरिक विकास और कर्मों की उन्नति की नींव रखते हैं। भागवत पुराण में बताया गया है कि आत्मा अपने पिछले कर्मों के प्रभाव से एक नए शरीर की ओर आकर्षित होती है। इसमें कहा गया है अनुगच्छन्ति तद्वेषान् कर्माणि देह बंधनम्, जिसका अर्थ है आत्मा की कर्मगत प्रवृत्तियां उसे नए शरीर की ओर ले जाती हैं। इस क्षण में आत्मा अनगिनत जन्मों के संस्कार छापे, जिनमें सीख अधूरे कर्तव्य और कर्म आरण शामिल हैं, साथ लेकर आती है। यह गर्भाधान केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह एक द्वार भी है जहां से आत्मा संसार, जीवन और पुनर्जन्म के चक्र की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती है। बीज का गठन और दिव्य आशीर्वाद। गर्भोपनिषद में गर्भाधान का वर्णन बीज रोपण के रूप में किया गया है, जहां कहा गया है बीजम गर्भम भवति तत्परमम धनम भवति, अर्थात बीज गर्भ का सार बन जाता है जो जीवन की संभावनाओं का धन संजोए रहता है। यह इस बात पर जोर देता है कि प्रथम माह जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की संभावना से भरा हुआ है, जो भ्रूण में समाहित होती है। यहां धन को एक दिव्य अनुग्रह के रूप में देखा गया है, यह याद दिलाने के लिए कि हर गर्भाधान एक उच्च कॉस्मिक व्यवस्था द्वारा आशीर्वादित होता है। भागवत पुराण में बीज और अंडाणु के मिलन पर दिव्य शक्तियों की देखरेख का उल्लेख है। इसमें कहा गया है यथा देवदत्तस्य जाति स्मराणि च लभ्यते, अर्थात इस दिव्य प्रक्रिया में पिछले जन्मों की स्मृतियां जीव में अंकित होती हैं। यह दर्शाता है कि हर जन्म में दिव्य देखरेख होती है, जो आत्मा पर उसके कर्मों की स्मृतियां अंकित करती है और उसे उसके निर्धारित मार्ग पर अग्रसर करती है। प्रकृति और दोष निर्माण पर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। आयुर्वेदिक ग्रंथों जैसे चरक संहिता में गर्भाधान को वह प्रारंभिक अवस्था बताया गया है जहां व्यक्ति की मूल प्रकृति या प्राकृति शरीर का प्रकार बनती है। इस ग्रंथ में उल्लेख है प्रथम में एव दोषाः संवर्ध्यन्ते, अर्थात प्रारंभ में ही दोष जीवन की मूल ऊर्जाएं प्रकट होने लगते हैं। यह संकेत करता है कि गर्भाधान के क्षण से ही 3 प्रमुख दोष वात, पित्त और कफ भ्रूण के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक गुणों को आकार देने लगते हैं। सुश्रुत संहिता, जो एक अन्य आयुर्वेदिक ग्रंथ है, यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति केवल माता पिता की विशेषताओं से ही नहीं, बल्कि गर्भ में प्रवेश करने वाली आत्मा के कर्मों की प्रवृत्तियों से भी प्रभावित होती है। दोषानाम च गुणानाम च समवायात प्रतिगर्भ विशेष, अर्थात प्रत्येक भ्रूण अपनी विशेषता को दोषों और प्राप्त गुणों के मिश्रण से प्राप्त करता है। यह शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि गर्भ धारण के क्षण से ही व्यक्ति की विशिष्टता उसमें समाहित हो जाती है। आत्मा का संकल्प और आगे की यात्रा। अंततः गर्भोपनिषद यह सुझाव देता है कि इस प्रारंभिक चरण में आत्मा का कर्म, इरादा और विकसित होता हुआ शरीर एक सूक्ष्म संरेखण में होते हैं। इसमें उल्लेख है एश्चा चिदात्मा संधत्ते यत्र जन्म भवति, जिसका अर्थ है सजग आत्मा आगामी जन्म की तैयारी करती है। यह दर्शाता है कि आत्मा के पिछले संस्कार और भविष्य की संभावनाएं उस पात्र के साथ पूरी तरह से संगत होती हैं, जिसे वह धारण करेगी, और यह आत्मा की यात्रा की निरंतरता को प्रकट करता है। यह संरेखण आत्मा की अपने आगामी जीवन को स्वीकार करने की भावना को दर्शाता है, जिसमें वह अपने भाग्य में निर्धारित कर्म संबंधी उत्तरदायित्वों को मान्यता देती है।
जो यात्रा अनगिनत पिछले जन्मों में आरंभ हुई थी अब गर्भ के भीतर रूप लेती है। एक दिव्य रसायन प्रक्रिया जो आध्यात्मिक उद्देश्य और भौतिक सृजन को एकीकृत करती है। इस अद्भुत पहले महीने में आत्मा के कर्म मार्ग से निर्देशित होकर भ्रूण आकार लेने लगता है। बीज और आत्मा के मिलन से जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते हैं हर माह में विकास, चेतना और जन्म की तैयारी के नए आयाम प्रकट होते हैं। दूसरा महीना अंगों और इंद्रियों का गठन शुरू होता है। दूसरे महीने में पवित्र ग्रंथ उस विस्मयकारी प्रक्रिया को प्रकट करते हैं जिसमें मानव शरीर का आकार लेना शुरू होता है, जो शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं के साथ जटिलता से संरेखित होता है। जैसा कि गर्भोपनिषद में वर्णित है, द्वितीय मास स्थूलांगम संभवत, गर्भोपनिषद श्लोक 2, जिसका अर्थ है दूसरे महीने में स्थूल बाहरी रूप प्रकट होना शुरू होता है। यहां पहले महीने में अंकुरित किया गया दिव्य बीज रूपांतरण से गुजरता है जिसमें भ्रूण के अंगों, अंगों के घटकों और इंद्रियों की शुरुआत होती है। यह प्रारंभिक गठन आत्मा की भौतिक संसार के साथ अंतःक्रिया की दिशा में पहला कदम माना जाता है। अंगों का विकास और दिव्य चेतना। गर्भोपनिषद में वर्णन है कि कैसे प्रत्येक शारीरिक अंग एक आध्यात्मिक उद्देश्य को धारण करता है जो आत्मा को संसार के साथ संलग्न होने और अपने कर्म कर्तव्यों को निभाने की अनुमति देता है। इसमें कहा गया है अंगानि च शक्तिभिः स्फुरन्ति, अर्थात अंग शक्तियों से संपन्न होते हैं। यहां शक्तियां या शक्तियां इस ओर संकेत करती हैं कि विकसित हो रहा शरीर केवल एक भौतिक इकाई नहीं है बल्कि एक पवित्र पात्र है जो धर्म या जीवन के उद्देश्य के लिए तैयार होने हेतु आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। इंद्रियों का गठन, आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। इस महीने में श्रवण, दृष्टि और स्पर्श जैसी संवेदी क्षमताएं सूक्ष्म रूप में विकसित होने लगती हैं, जैसा कि भागवत पुराण में वर्णित है। पुराण कहता है प्रकाशः सूक्ष्म शक्तिभिः प्रत्यक्षत्वं प्राप्नोति, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों के माध्यम से भ्रूण में अनुभूति की क्षमता प्राप्त होती है। ये इंद्रियां अंततः आत्मा के उपकरण के रूप में कार्य करेंगी जिससे यह संसार का अनुभव कर सकेगी और प्रतिक्रियाएं दे सकेगी, साथ ही परस्पर क्रियाओं और उत्तेजनाओं से सीख और विकास कर सकेगी। गर्भोपनिषद इस बात पर जोर देता है कि इंद्रियां एक दिव्य उद्देश्य के साथ उत्पन्न होती है। सर्वेन्द्रियाणि कर्मार्थम संदत्ते, अर्थात सभी इंद्रियां कर्म करने के लिए नियत है। यह दर्शाता है कि प्रत्येक इंद्री आत्मा के कर्मों के साथ संलग्न होने का माध्यम है। इस प्रकार गर्भ में हो रहा शारीरिक विकास आत्मा की आध्यात्मिक जिम्मेदारियों से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद में पुरुष और प्रकृति की अवधारणा। आयुर्वेद के दृष्टिकोण में दूसरा महीना पुरुष, आत्मा और प्रकृति, भौतिक तत्व के बीच संतुलन की शुरुआत को चिह्नित करता है। चरक संहिता में कहा गया है द्वितीय शारीर विकार प्रारंभ भवति, अर्थात दूसरे चरण में शारीरिक परिवर्तन प्रारंभ होते हैं। अंग, अंगों के घटक और सूक्ष्म शरीर एक साथ संरेखित होना शुरू करते हैं जो आध्यात्मिक और भौतिक के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह संरेखण जीवन की यात्रा के लिए आवश्यक शरीर और आत्मा के संतुलन को प्रतिबिंबित करता है। जैसा कि वर्णित है भ्रूण की विकसित होती संरचना सत्व शुद्धता, रजस क्रियाशीलता और तमस जड़ता जैसे ब्रह्मांडीय गुणों से प्रभावित होती है जो उसके भविष्य के शारीरिक और मानसिक गठन की नींव रखती है। इन ऊर्जाओं का यह संयोग आत्मा के लिए एक सेतु का कार्य करता है जो इसे शुद्ध चेतना की अवस्था से एक जागरूक संवेदनशील अस्तित्व में परिवर्तित करता है। प्राण जीवित ऊर्जा का जागरण। गर्भोपनिषद के अनुसार दूसरा महीना भ्रूण के भीतर प्राण जीवित जीवन शक्ति के हलचल की शुरुआत को भी दर्शाता है। यह ग्रंथ प्राण के महत्व को स्पष्ट करता है जो शरीर और आत्मा दोनों का पोषण करता है। प्राणस्य संचार शरीरम व्याप्नोति, जिसका अर्थ है प्राण का संचार शरीर में व्याप्त होता है। यह जीवित ऊर्जा प्रत्येक विकसित होते अंग और अंग के घटक को मन और आत्मा से जोड़ती है, बढ़ते शरीर में चेतना और जागरूकता को संचारित करती है। भागवत पुराण प्राण को दिव्य उपहार के रूप में वर्णित करता है, कहता है प्राणा नामेव चेष्टायाः सूक्ष्म रूपम संप्रवर्तते, जिसका अर्थ है
जीवन ऊर्जा का सूक्ष्म रूप बहना शुरू होता है। यहाँ प्राण को एक आध्यात्मिक उपहार के रूप में देखा जाता है, जो निर्जीव आत्मा को विकसित होते शरीर के साथ जोड़ता है और दिव्य ऊर्जा का एक निरंतर प्रवाह स्थापित करता है। कर्म का आधार अंगों और इंद्रियों में संस्कार। ग्रंथ इस बात पर जोर देते हैं कि अंग और इंद्रियां कर्म संबंधी स्मृतियों और संस्कारों को धारण करती हैं। जैसा कि भागवत पुराण में कहा गया है, स्वकर्म भृदेहम प्राप्तवान अंग इंद्रिय संयुक्तम। अपने कर्म के माध्यम से आत्मा अंगों और इंद्रियों के साथ एक शरीर प्राप्त करती है। यह पुष्टि करता है कि भ्रूण की संरचना का प्रत्येक तत्व पिछले कार्यों से प्रभावित होता है और जो भी अंग विकसित होते हैं वे बाह्य संसार में कर्म संबंधी संस्कारों को व्यक्त करने और उन पर कार्य करने में एक भूमिका निभाएंगे। गर्भोपनिषद भी प्रत्येक अंग में छिपी चेतना के बारे में बात करता है, स्टेटिंग मनसा संकल्पनम कर्मणा कार्यम स्फृति, जिसका अर्थ है मन के माध्यम से संकल्प, क्रिया के माध्यम से कार्य। ये कथन प्रत्येक शारीरिक घटक को एक अंततः मानसिक और आध्यात्मिक कार्य के साथ जोड़ता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि शरीर का प्रत्येक पहलू आत्मा की आध्यात्मिक वृद्धि और कर्म के समाधान के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है। एक पवित्र पात्र धर्म की तैयारी। दूसरे महीने में भ्रूण का विकसित होता रूप केवल एक जैविक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे एक पवित्र पात्र के रूप में आकार लेते हुए माना जाता है। गर्भोपनिषद सिखाता है, धर्माय कर्तुम शक्तयः शरीरम संदधते। धर्म का पालन करने के लिए शक्तियां शरीर को बांधती हैं। अंगों और अंगों का यह गठन आत्मा के उद्देश्य की तैयारी के रूप में देखा जाता है, जो उसकी यात्रा को उन जिम्मेदारियों के साथ संरेखित करता है जिन्हें उसे संसार में पूरा करना है। भागवत पुराण इस भावना को प्रतिध्वनित करता है। शरीर का वर्णन एक पवित्र मंदिर के रूप में करता है जो दिव्य चेतना को समेटे हुए है। यह कहता है, शरीरम देवालयम आत्मानम देवताम, जिसका अर्थ है शरीर एक मंदिर है और इसके भीतर आत्मा देवता है। यह शिक्षा शारीरिक गठन की आध्यात्मिक महत्वपूर्णता को रेखांकित करती है। यह याद दिलाते हुए कि प्रत्येक अंग और अंग का घटक दिव्य उद्देश्य का एक रूपांतरण है। इस प्रकार दूसरा महीना भ्रूण के भीतर शरीर और आत्मा के धीरे धीरे जागरण का प्रतीक है। प्रत्येक बंती संरचना, चाहे वह अंग हो या इंद्री, भौतिक और आध्यात्मिक संसारों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करती है, जो कर्म संबंधी कर्तव्यों और दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियत है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, आत्मा की चेतना गहराती है और उसके अस्तित्व की जागरूकता प्रकट होती है। तीसरा महीना भ्रूण का त्वरित विकास। तीसरे महीने में भ्रूण तीव्र विकास से गुजरता है, जैसा कि गर्भोपनिषद में वर्णित है, जहां शरीर अधिक स्पष्ट रूप लेता है, इंद्रियां जागृत होना शुरू होती है और मन संस्कार प्राप्त करने लगता है। ग्रंथ इस चरण का वर्णन करता है, तृतीय मासे स्थूलम वर्धते संझा च उद्भवती, जिसका अर्थ है तीसरे महीने में स्थूल रूप विस्तृत होता है और जागरूकता उत्पन्न होती है। शारीरिक विकास सूक्ष्म चेतना के विकास के साथ संयोग में होता है, जो भ्रूण की संवेदी संसार के साथ प्रारंभिक संलग्नता को दर्शाता है। इंद्रियों का विकास और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। तीसरे महीने तक अंग अधिक स्पष्ट हो जाते हैं और संवेदी अंगों का गठन शुरू होता है। भागवत पुराण के अनुसार अनेन संझा स्वदर्शनम ग्रहणम च भवति, जिसका अर्थ है चेतना आत्मधारणा और ग्रहण की शक्ति विकसित करने लगती है। यह दर्शाता है कि जबकि इंद्रियां भौतिक रूप से बन रही हैं, वे आध्यात्मिक संस्कार भी एकत्रित कर रही हैं, जिससे आत्मा भविष्य में बाह्य संसार के साथ इंटरेक्शन के लिए तैयार हो सके। आंखों कानों और मुंह का गठन उन प्रवेश बिंदुओं का प्रतीक है जिनके माध्यम से आत्मा जीवन का अनुभव करेगी और उन कर्म संबंधी पाठों को सीखेगी जिन्हें उसे सीखना है। गर्भ में जल प्राचीन चेतना का प्रतीक। इस महीने में भ्रूण अमनियोटिक द्रव में तैरता है, जो एक प्रतीकात्मक और वास्तविक सुरक्षात्मक माध्यम है। भागवत पुराण इस जल का वर्णन करता है, माया जलाद अधिष्ठितः, अर्थात माया भ्रम के जल में लिपटा हुआ। यह इस विचार को प्रतिबिंबित करता है कि आत्मा जबकि इस जल के वातावरण में सुरक्षित है, साथ ही संसार की भौतिक ऊर्जा में भी डूबी हुई है, जो भौतिक संलग्नता की पहली परतें बनाती है। गर्भोपनिषद इस जल की तुलना क्षीर सागर
या ब्रह्मांडीय महासागर से करता है, जहां आत्मा सृष्टि से पहले विश्राम करती है। यहां भ्रूण आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक समान ब्रह्मांडीय गर्भ में तैर रहा है, दिव्य शक्तियों की गोद में सुरक्षित है। यह वातावरण केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं है, बल्कि भौतिक संसार के भ्रांतियों के माध्यम से आत्मा की यात्रा से एक प्रतीकात्मक संबंध भी स्थापित करता है। प्राण, जीवन की सांस का उभरना और सांस की आध्यात्मिकता। तीसरे महीने में प्राण या जीवन की सांस का अधिक मजबूत उभरना होता है। गर्भोपनिषद इसे इस तरह उजागर करता है, प्राणः स्थिरं च पाणिपादं प्रयच्छन्ति, जिसका अर्थ है प्राण हाथों और पैरों को स्थिर और पोषित करता है। यह श्लोक इस बात पर जोर देता है कि प्राण एक शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति है, जो प्रत्येक अंग और घटक में प्रवेश करती है, भ्रूण को जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार करती है। प्राण का जागरण आत्मा के सार्वभौमिक जीवन शक्ति से जुड़ने का प्रतीक है, जिसे यह अपनी अर्थली यात्रा के दौरान प्राप्त करेगा। मन का पूर्व जन्मों और कर्म के संस्कारों से संबंध। इस महीने में ग्रंथों में यह उल्लेख किया गया है कि मन विकसित होती इंद्रियों के साथ सूक्ष्म संबंध बनाना शुरू करता है, जिसमें कर्म के संस्कार उभरते हैं। भागवत पुराण कहता है, मन से निहितम कर्म पुनः स्मरणाय भवति, जिसका अर्थ है मन में पूर्व कर्म निहित होते हैं, भविष्य की स्मृति के लिए तैयार करते हैं। इसका अर्थ है कि पिछले जन्मों की स्मृतियां हालांकि निष्क्रिय विकसित होते मन में एक स्थान पाना शुरू कर देती हैं, जो भविष्य में होने वाले चुनावों, झुकावों और प्रवृत्तियों को प्रभावित करती हैं, जो जन्म के बाद प्रकट होंगी। गर्भोपनिषद इस पर विचार करता है जोड़ते हुए, अतीतस्य कर्मणः मनसि संप्रतिष्ठाय स्फुरणम्, जिसका अर्थ है भूतकाल के कर्म मन में स्थापित होते हैं, जो संस्कारों को जन्म देते हैं। यह सिखाता है कि जबकि मन केवल आकार लेना शुरू कर रहा है, यह पहले के अनुभवों का भार पहले से ही वहन करता है, जो इस प्राणी के भविष्य के कार्यों और चरित्र को आकार देने में एक भूमिका निभाएगा। शारीरिक और आध्यात्मिक विकास में दिव्य देखरेख। जैसे जैसे अंग और इंद्रियां आकार लेती हैं, गर्भोपनिषद हमें इस प्रक्रिया को मार्गदर्शन देने वाली दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति की याद दिलाता है। यह कहता है, देवा संकल्पम धारयन्ति, जिसका अर्थ है दिव्य ऊर्जा रूप को बनाए रखती है। प्रत्येक अंग और घटक में एक उद्देश्य निहित होता है, जो दिव्य शक्तियों द्वारा आशीर्वादित होता है, ताकि आत्मा की यात्रा की सेवा कर सके। यह आशीर्वाद सुनिश्चित करता है कि भ्रूण न केवल शारीरिक रूप में विकसित होता है, बल्कि आगे के जीवन के लिए आध्यात्मिक रूप से भी तैयार होता है। इस प्रकार तीसरे महीने तक भ्रूण आकार और कार्य में संतुलन प्राप्त करता है, जिसकी इंद्रियाएं न केवल भौतिक होती हैं, बल्कि आध्यात्मिक प्रभावशीलता भी रखती हैं। गर्भ के सुरक्षात्मक जल में सुरक्षित, यह अपने भविष्य के कर्मों के लिए तैयारी करना शुरू करता है। इसके अस्तित्व का प्रत्येक भाग उस यात्रा के साथ संरेखित होता है, जो जन्म के बाद उसका इंतजार करती है। जैसे जैसे आत्मा की चेतना गहराती है, यह भौतिक क्षेत्र के करीब पहुंचती है, अगले महीनों में आगे के विकास की तैयारी करती है। चौथा महीना, चेतना का विकास। चौथे महीने तक भ्रूण विकास के एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंचता है, शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से। गर्भोपनिषद के अनुसार चतुर्थे मासे चैतन्यम स्फुरति, अर्थात चौथे महीने में चेतना पूरी तरह खिलती है। यह भ्रूण की जागरूकता की उन्नत स्थिति को दर्शाता है, जहां चेतना अब शरीर में गहराई से निहित है। बढ़ता हुआ मन स्पष्ट विचारों और संस्कारों का अनुभव करना शुरू करता है, जो भ्रूण के कर्म संबंधी यात्रा के साथ संबंध को मजबूत करता है। पूर्ण चेतना और पूर्व जन्मों की स्मृतियों का जागरण। भागवत पुराण इस चरण का वर्णन करता है, जहां भ्रूण अपने पूर्व जन्मों के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। यह कहता है, पुरा कृतानि कर्माणि प्रत्यभिज्ञानम लभते, जिसका अर्थ है आत्मा पिछले जन्मों के कार्यों को याद करती है। यह स्मरण सूक्ष्म लेकिन गहरा होता है, क्योंकि भ्रूण अपने कर्मों के आरण और आने वाले जीवन में सामना करने वाली पाठों की प्रारंभिक जागरूकता प्राप्त करता है। ये स्मृतियां हालांकि पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं, भविष्य के झुकावों और व्यक्तित्व लक्षणों का आधार बनाना शुरू करती हैं। दुखों का अनुभव और मुक्ति के लिए प्रार्थना। भागवत पुराण में भ्रूण को उन सीमाओं और दुखों का अनुभव करते हुए वर्णित किया गया है, जिन्हें इसे भौतिक संसार में सामना करना पड़ेगा। ग्रंथ में कहा गया है, दुखम च शरीर संबंधेन अनुभवति,
जिसका अर्थ है आत्मा शरीर के साथ जुड़ी असुविधाओं का अनुभव करती है। अपने भौतिक रूप की सीमाओं और आगे के कर्मों के बोझ को महसूस करते हुए आत्मा आंतरिक रूप से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए प्रार्थना करती है, संसारा से मुक्ति के लिए दिव्य हस्तक्षेप की खोज करती है। इस तीव्र जागरूकता के कारण आत्मा भौतिक जीवन की अस्थायी प्रकृति पर विचार करने लगती है। जैसा कि गर्भोपनिषद में कहा गया है, संसार दुखम मनसा स्फूर्ति, जिसका अर्थ है संसार के दुख मन में गूंजते हैं। इस प्रकार भ्रूण अपने पहले आध्यात्मिक अनुभवों की शुरुआत करता है, जन्म से पहले ही जीवन की गहरी सच्चाइयों पर विचार करते हुए। चेतना के विकास को आशीर्वाद देने वाली दिव्य ऊर्जा, गर्भोपनिषद भी इस चेतना के जागरण को मार्गदर्शन देने वाली दिव्य शक्तियों के बारे में बात करता है। यह कहता है देवा हृदये संप्रवर्तन्ते, जिसका अर्थ है दिव्य ऊर्जा हृदय में प्रकट होती है। भ्रूण के भीतर इन दिव्य शक्तियों की उपस्थिति को हृदय और मन दोनों का पोषण करने वाला माना जाता है, जो इसे भौतिक संसार में अपने कर्मों की जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। ये आशीर्वाद देवी की कृपा के रूप में देखा जाता है, जो आत्मा की चेतनात्मक वृद्धि को सुनिश्चित करता है, जबकि यह नए जीवन को अपनाने के लिए तैयार होती है। इस चौथे महीने में भ्रूण की जागरूकता का विस्तार होता है, जिससे यह अपने कर्मों के अतीत और भविष्य की जिम्मेदारियों के पहलुओं को समझने लगता है। यह मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है, दिव्य कृपा और जीवन की अस्थायी प्रकृति की गहरी समझ का अनुभव करता है। जैसे जैसे चेतना खिलती है, आत्मा जन्म के और करीब पहुंचती है और यात्रा पांचवें महीने में आगे बढ़ती है। पांचवें महीने पूर्व जन्मों की स्मृतियों का उभार, पांचवें महीने में भ्रूण की संवेदी और संज्ञानात्मक क्षमताएं और मजबूत होती हैं, जिससे यह गर्भ में सूक्ष्म अनुभव कर सकता है। गर्भोपनिषद के अनुसार पंचमे मासे इंद्रियाणाम प्रवृत्तिय, जिसका अर्थ है पांचवें महीने में इंद्रियां सक्रिय होती हैं। संवेदी क्षमताओं का यह सक्रियण एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि भ्रूण बाहरी और आंतरिक उत्तेजनाओं के प्रति और अधिक संवेदनशील हो जाता है, जिससे यह भौतिक संसार के साथ बातचीत के लिए तैयार होता है। कर्मिक जागरूकता और पिछले कर्मों पर विचार, इंद्रियां अब अधिक सक्रिय होने के साथ पांचवें महीने में भ्रूण अपनी कर्म यात्रा के प्रति गहरी जागरूकता प्राप्त करता है। भागवत पुराण में कहा गया है पुरा कृतस्य कर्मणः स्मृतिः जायते, जिसका अर्थ है पिछले कर्मों की यादें उत्पन्न होती हैं। यह विचार आत्मा की अधूरी जिम्मेदारियों और अनसुलझे कर्मों की याद दिलाने के रूप में कार्य करता है। ये छापें धीरे धीरे भ्रूण के भविष्य के मार्ग को निर्देशित करती हैं और यह निर्धारित करती हैं कि उसे अपने जीवन काल में कौन कौन से कर्मिक पाठों का सामना करना और उन्हें पार करना है। गर्भोपनिषद के अनुसार यह जागरूकता आत्मा को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उस जीवन के लिए तैयार करने की अनुमति देती है जो उसका इंतजार कर रहा है, अपने कर्मिक दायित्वों को आगे बढ़ाते हुए। ग्रंथ में कहा गया है मनसि संस्फुरन्ति अतीतानि कर्माणि, जिसका अर्थ है मन पिछले कर्मों पर विचार करता है। यह विचार एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मील का पत्थर है, जो गर्भ में मौजूद आत्मा के जीवन के उद्देश्य को उसके कर्मिक इतिहास से जोड़ता है। आध्यात्मिक सुरक्षा और दिव्य उपस्थिति, गर्भोपनिषद इस कमजोर अवस्था में भ्रूण के चारों ओर दिव्य शक्तियों की सुरक्षात्मक भूमिका को उजागर करता है। वर्णन करते हुए देवाह पश्यन्ति हृदयेण, जिसका अर्थ है दिव्य शक्तियां हृदय से देखती हैं और अपनी उपस्थिति से सुरक्षा करती हैं। यह दिव्य देखरेख सुनिश्चित करती है कि भ्रूण सुरक्षित रहे, जिससे वह बिना किसी रुकावट के अपने विकास और कर्मिक विकास को जारी रख सके। इन शक्तियों का प्रभाव उस आध्यात्मिक और मानसिक स्थिरता को बढ़ावा देता है, जो जन्म के बाद की यात्रा के लिए आवश्यक है। पांचवें महीने के अंत के रूप में भ्रूण की संवेदनात्मक जागरूकता बढ़ती है, जिससे वह भौतिक दुनिया के और करीब आता है, जबकि अपने पिछले कर्मों के प्रति आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को भी गहरा करता है। दिव्य सुरक्षा और अपने उद्देश्य की बढ़ती समझ के साथ आत्मा जीवन के चक्र के अगले चरणों के लिए खुद को तैयार करती है। छठे महीने में प्रवेश करते हुए जन्म चक्र की इस पवित्र यात्रा में पांचवें महीने तक पहुंचकर हम इस अनमोल परिवर्तन का सम्मान करते हैं, जो जीवन के हर स्तर पर रूप लेता है। सृजन का यह अद्भुत कार्य धीरे धीरे आकार लेता है और जीवन अपनी कोमल रूपरेखा में ढलता है। इस चमत्कार की शेष यात्रा को
हम इस सप्ताह के अंत तक भाग दो में साझा करेंगे, जहां हम अंतिम चरणों की गहराई में उतरेंगे। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप इस प्राचीन ज्ञान पर मनन करें, और यदि इस यात्रा ने आपके हृदय को छुआ हो तो कृपया अपने विचार हमारे साथ टिप्पणियों में साझा करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी अपने जन्म की इन कालजयी सच्चाइयों को जान सकें।